हम लोगों को मीडियन निकालना है, लेकिन क्लास इंटरवल के लिए निकालना है, मतलब ग्रुप डेटा के लिए निकालना है। तो ग्रुप डेटा के लिए निकालना है, यदि हम बात करते हैं तो ग्रुप दिया गया 0 से 10, 10 से 20, और फ्रीक्वेंसी दिया गया है, सबका फ्रीक्वेंसी दिया गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए हम लोग को निकालना पड़ता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर 10 लिखा हुआ है तो 10 लिख दिए, अगला फ्रीक्वेंसी लिखना है तो 10 + 8 हो जाएगा 18, फिर 21 ऐड होगा तो 18 + 21 हो जाएगा 39, 39 प्लस फिर 16 ऐड होगा तो हो जाएगा 55, फिर 55 में 32 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 87, और 87 में 13 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से पता चला कि जो समेशन ऑफ i होगा, n जो होगा वो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब मीडियन का फॉर्मूला है हम लोग के पास, मीडियन का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। अब बोलेंगे एल क्या है, एन बाई टू क्या है, तो n बाई टू तो सबको पता चल रहा होगा n 100 है, l क्या है, cf क्या है, f क्या है और h क्या है, उसके बारे में जानते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, देखिए मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को खोजना पड़ता है मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास खोजते कैसे हैं, मीडियन क्लास खोजने के लिए n बाई टू का वैल्यू निकालते हैं हम लोग सबसे पहले, तो n बाई टू कितना आया 50। अब ऐसा इंटरवल हम लोग को देखना है जिसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n बाई टू हो, मतलब n बाई टू से जस्ट बड़ा हो। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसमें 39 था, उसके बाद 55 था, तो 55 जो है उसे हम लोग बोलेंगे मीडियन क्लास। क्या बोलेंगे हम लोग, मीडियन क्लास, ध्यान में रखना है, इसे हम लोग बोलेंगे मीडियन क्लास। अब यदि ये मेरा मीडियन क्लास हो गया तो L जो होता है वो होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो L यहाँ से हो गया 30, n बाई टू पता है हम लोग को, सी एफ जो होता है वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर मीडियन क्लास, तो जस्ट बिफोर मीडियन क्लास में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कितना है 39 है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू अब हो गया 39, और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी, तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 16, और h जो है वो होता है क्लास विड्थ, h जो होता है वो क्या होता है क्लास विड्थ। तो देखिए क्लास का जो विड्थ है वो कितना दिया गया है 10 दिया गया है। तो यहाँ पर हम सारे वैल्यू को जब हम लोग पुट करते हैं l प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच, तो यहाँ पर 30 प्लस इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 6.875, और 30 प्लस 6.875 मिलकर कितना हो जाएगा 36.875। तो ये हो गया आपका मीडियन। ठीक है, हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं मीडियन जब क्लास इंटरवल दिया रहता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।